हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूँ सोनिया, जो कि आप सभी को पता है मैं हूँ एक डेली ब्लॉगर, ये भी आपको पता है। लेकिन अपनी डेली ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं कुछ हटके वीडियो भी शूट करती हूँ। तो आज मैं अपना डेली ब्लॉग ना शेयर करके आपके साथ डिफरेंट टाइप की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और ऑलमोस्ट मैं अपने चैनल पर इस टाइप की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, जैसे कि कभी मेकअप की होगी या फिर कभी स्टिचिंग की होगी। तो जो भी मेरे पास नॉलेज है मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, और जब वो किसी के काम आती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरीके से है। जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मेकअप कर रही थी अपना, तो आज मैंने सिर धुल के नहाया है। तो जब सिर धो के नहाओ ना तो खुद को बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है, बाल खुले खुले लगते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हम जब जूड़ा वूड़ा बांध लेते हैं या फिर बालों को बांध लेते हैं तो नेक्स्ट डे जैसे नहा के निकलते हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ फेस की लुक नहीं आती है। तो जब मैं नहा के जब आई और अपने बालों को सेट कर रही थी, तो तभी मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं आपके साथ, मैं जिस तरीके की मांग निकालती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ मांग है इस वीडियो का नाम, कुछ हटके निकालने से हमारे फेस का लुक काफ़ी अच्छा आता है। और मैं किस किस टाइप की मांग अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, मतलब जब भी कोई फेस्टिवल हो या फेस्टिवल नहीं भी है, कुछ चेंज करना है अपने फेस को, तो मैं किस किस टाइप की मांग निकालती हूँ और कैसे निकालती हूँ वो आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने एक हेयर स्टाइल कर रखा है, इसमें कोई मांग नहीं है। ये देखिए, मांग है ही नहीं। मांग उसे कहते हैं जो पूरी एकदम स्ट्रेट हो। तो एक ये मांग तो बहुत अच्छी लगती है और मुझे, और मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। और किसी की शादी वादी में जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर खुले बाल रखती हूँ, जूड़ा वूड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि जूड़ा करते हैं ना वो लोग बहुत सारी पिने लगाते हैं, पिन विन लगती है, तो मेरे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुले बाल ही रखूँ। तो मेरा सबसे अच्छा हेयर स्टाइल एक ये होता है, बस मैं इसको इस तरीके से करती हूँ और ये मेरा हो गया। बस यहाँ पे मैं जो मर्जी स्टाइल कर लूँ वो एक अलग है। तो ये है, ये मांग नहीं है, बट आप इसको भी अपना यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। इसी तरीके से मैं इसको इस साइड से भी यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे, तो ये देखिए इसकी कुछ अलग लुक है, उसकी कुछ अलग लुक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो हो गई है आपके पास। और इसी को हम जब यूज़ करते हैं कई बार तो हम एकदम स्ट्रेट इस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए, ये आप खुद देख सकते हैं उस वाली में और इस वाली में कितना फ़र्क है, लुक में भी और स्टाइल में भी। सेम इसी तरीके से ज़्यादातर लेडीज़ या गर्ल्स इस तरीके से स्ट्रेट करके निकालती हैं। अगर स्ट्रेट करके ना निकाल के आप इसे थोड़ा सा तिरछा दे, ये देखिए, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, बट कई लोगों पे ये बहुत प्रेटी भी लगता है, ऐसी बात नहीं, कई लोग निकालते हैं। बट अगर आप इसको इस तरीके से ना रख के अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, यूं करते हुए तिरछा ले आए, रहेगा साइड में ही, लेकिन इसकी लुक देखिए कितनी गॉर्जियस लग रही है। और यहीं पर हम एक सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ में यूज़ होती है मांग, सेंटर की मांग, ये ऑलमोस्ट सभी ने यूज़ की है, क्योंकि हर लड़की को स्कूल जाना पड़ता है और घर में भी। तो इस तरीके की हम जब पोनी टेल करते थे इधर तो यूज़ करते थे ये रही। तो ये तो हमेशा से ऑलवेज है ही, और ये कईयों पे तो बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे काफ़ी साल हो गए छोड़े हुए, तो मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी निकालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज मैंने दो तीन पिक भी खींचे इसमें, क्योंकि बहुत प्रेटी लग रही थी, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, और हाँ, आप कभी भी साइड की मांग निकालते हैं ना, तो सेंटर से थोड़ा सा इधर मत जाएँ, थोड़ा और जाएं, मतलब ये जो आपकी आईब्रो का ये है ना पार्ट, यहाँ से ले, तब इसकी लुक देखना। ये देखिए, ये चीज़ ये करोगे ना आप तो बहुत गॉर्जियस लगेगा। और वहीं पे आपने ये कर लिया ना, ये सेंटर से थोड़ा सा ही आप चले गए, तो यहीं पे ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर हम स्ट्रेट ना निकाल के और हम किस टाइप की मांग निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले है ये ज़िगज़ैग। ये देखिए, यहाँ से आपने इसको सेंटर से नहीं उठाते, कभी भी साइड से उठाते, थोड़ा सा ये देखिए, और ऐसे जाना है आपने टेल कॉम से, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। ये देखिए निकल गई, और इसके बाद आपको टेल कॉम ऐसे करनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये निकल गई, ये देखिए, और ये बहुत अच्छी लगती है। और ये सेंटर में होने के बावजूद भी नहीं बेकार लगती है। आप ये देखिए, मैंने पहले सेंटर की थी तो कैसी लग रही थी, और ये देखिए। और ये आप ना कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई सी फंक्शन वगैरह पे,
तो ये देखिए एक ही जिगजैग मांग है, ये बहुत प्यारी लगती है और ये सेंटर में है, लेकिन फिर भी इससे लुक देखिए कितना चेंज लग रहा है मेरे फेस का। तो इसी को ना आप, ये थोड़ी बड़ी है, मैंने अभी आपको बड़ी निकाल के दिखाई, तो इसी को अगर आप छोटा छोटा सा करेंगे ना तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। और इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब बिना टेलकॉम से भी ये बन जाएगी तो आपको उसमें सिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ से आप लोगे, आप ज़्यादा इधर से नहीं लोगे, बस इतना लोगे और इसको हल्का हल्का छोटा छोटा सा ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा, जितनी आपने लंबी करनी है ये ऐसे करते हुए, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही है। आप देख सकते हो ये भी सेंटर में है, लेकिन स्ट्रेट ना होके जिगजैग होने की वजह से ये कितनी सुंदर लग रही है। इसी को आप इस साइड भी यूज कर सकते हैं और ये इस साइड में भी अच्छी लगती है। आप सोचोगे ये साइड में नहीं अच्छी लगती तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए। लेकिन इस साइड में करें ना आप, तो छोटी छोटी करें और ज्यादा लंबी तक ना करें। देख सकते हैं, तो ये तो थी जिगजैग। अब मैं आपके साथ एक बॉक्सेस में स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने, अगर आप चाहते हैं तो सेंटर से भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइड से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सेंटर में लेते हैं तो वो साइड में जाएगी मांग, अगर आप साइड से लेते हैं तो वो सेंटर में आएगी। तो जिगजैग का भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से जिगजैग लेंगे तो साइड चली जाएगी, अगर आप इधर से लेंगे तो ही बीच में आएगा उसका सेंटर पार्ट। तो यहां से भी मैं देखिए इसको थोड़ा सा यूं ले रही हूँ और अपने टेल को इस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं, और सेम यही जो बड़ी है इसको आप छोटे में भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों की अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि किस तरीके से मैं निकालती हूँ, तो मैं तो फटाफट इस तरीके से निकाल लेती हूँ। अगर आप इसको एकदम स्लो में देखना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए और आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ एक स्टाइल आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के आप निकाल सकते हो। इनको किस तरीके से निकालनी है एकदम स्लो मोशन में, तो वो मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर कर दूंगी। देखिए इसको मैं एकदम पहले बाल सेट कर लेती हूँ, और ये देखिए यहीं से फिर इसको मैं छोटा छोटा सा कर दूंगी। आपने ध्यान क्या देना है, बस एक चीज का ही ध्यान देना है। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये वाली सारी चीजें एक ही जगह जानी चाहिए, ज्यादा फर्क ना है। बहुत ज्यादा आपको इसमें फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग देने से ना कई बार हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहेगा ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा है, और इसी तरीके से आप इसको साइड में भी दे सकते हैं। सेंटर में तो अच्छा लगता है ये, साइड में भी छोटे छोटा, कभी भी आप साइड में दे तो छोटा जरूर देना, बड़ा मत देना, नहीं तो आप कहोगे दीदी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, छोटा छोटा सा देना। और इसको आप एंड तक लेके जा सकते हो, आप बड़े हो, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, या नहीं आपका दिल करता है, तो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, फंक्शन वगैरह में लेके जाना है तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो, ये हेयर स्टाइल कैसे लगे हैं और आपने खुद ट्राई करे हैं और कौन कौन इनको पहले से जानता था और अपनी लाइफ में यूज करता था। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।